मेजरगंज ब्लॉक पंचायत मदन कुआरी गांव कुआरी में एसएसबी कैंप के द्वारा सिलाई प्रशिक्षण सेंटर खोला गया है, जिसमें लड़कियों को निशुल्क सिलाई की ट्रेनिंग दिया जाए। कब से सीखने आ रहे हैं? 6 तारीख से। और कितने दिनों के कोर्स बोला गया? 1 मंथ। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखे? 2 तरह का पेटीकोट। सीखने के बाद आगे आप क्या कीजिएगा? सिलाई करेंगे और सिखाएंगे। कितनों दिनों से आप लड़की को प्रशिक्षण दे रहे हैं सिलाई सेंटर? 6 तारीख से 1 महीने का ट्रेनिंग। तो 1 महीने में आप क्या क्या सिखाएंगे? जहाँ तक पार लगेगा वहाँ तक सिखा देंगे। सर सिलाई तो कर रहे हैं, पेटीकोट से चालू किए हैं, इम्पोर्टेंट सामान सब सिखा रहे हैं। अगर छोटा मोटा सामान होगा तो इनको सीख लेंगे तो हम उसको लास्ट में सिखा देंगे। अच्छा, एक बैच में कितनी लड़कियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं? 14। ये 1 महीना के लिए एसएसबी के द्वारा है, अपने फिलहाल हम लोग कैंप के माध्यम से बोले कि सर सिलाई वर्क के प्रशिक्षण हम लोग के पंचायत में कराया जाए, तो उन्हीं के द्वारा मतलब ये शुरू कराया गया है, अपना करा रहे हैं। 1 महीने के लिए कराएंगे, ओकरा बाद हम कंटिन्यू अपना वो क्या कहते हैं वो ट्रेनर रखेंगे, उसको वेतन जो होगा वो देंगे, ओकरा बाद हम कंटिन्यू चलाते चलाते रहेंगे। कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। ये किस प्रोजेक्ट से? ये है हमारा BA बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार का उपक्रम कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम है लोगों के बॉर्डर के इलाके के लोगों के मन में सुरक्षा के साथ साथ स्वावलंबन स्वरोजगार को बढ़ावा और साथ साथ खुद का एक स्वावलंबी स्वाभिमान अर्जित करना और दूसरे को एक सिखलाई देना कि इस तरह से कोई गांव में एक सिलाई को सीख के अपना भरण पोषण करेंगे तो उसको देख के भी या ट्रेंड करके अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। ये जो है सिर्फ यानी बॉर्डर एरिया या ब्लॉक स्तर पे काम कर रहे हैं अभी आप लोग या जिला स्तर पे? ये कई तरह पे है, भारत सरकार जो है आप अपने कार्यक्रम के अनुसार कई तरह पे दे रही है, राज्य सरकार को भी देती है, केंद्र सरकार का भी है। तो ये मेजरगंज ब्लॉक में कितनी जगह ये सेंटर खुला जाएगा? ये फिलहाल अभी मेजरगंज में तो एक ही चला है। या जिला स्तर पर अगर होती तो गांव समाज में किस तरह की बदलाव दिखने को? ब्लॉक स्तर पर तो ये तो कुछ थोड़ा फाइनेंशियल ये भी होता है, ब्लॉक स्तर पर नहीं है ये, इसको भी एक ब्लॉक स्तर एक शुरुआत है। लोगों में ज़्यादा इच्छा जागेगी, ज़्यादा लोग करेंगे तो फिर उसको आगे बढ़ावा मिलेगा ब्लॉक या जिला स्तर पे। बदलाव जो है स्वरोजगार का जो है ज़्यादातर लोग होंगे और इधर से जैसे कहीं सपोर्ट टेलर सीखने के लिए पटना मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी जाना जाते हैं तो वो रुक जाएगा, वो खुद उनके घर पे ही उन्हें वो रोजगार अर्जित कर सकती है परिवार के साथ।